स्मरण में जुटे साहित्य के दिग्गज। निराला निकेतन में हर महीने होने वाली महावाणी स्मरण गोष्ठी में अप्रत्याशित रूप से देश के जाने माने कवि गीतकार जुटे। आचार्य श्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के उपरांत अपने भाव और स्वर के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रसिद्ध गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने प्रणाम निवेदित करते हुए कहा कि आचार्य जी ऐसे गीत पुरखे थे जिनको पढ़ते सुनते हुए हम लोगों ने अपने गीतों को संस्कारित और परिमार्जित किया है। साहित्य गंधा के संपादक और अपनी धारदार अभिव्यक्ति के लिए सुपरिचित सर्वेश अस्थाना ने भाव उद्गार प्रकट करते हुए कहा कि शास्त्री जी गीत ऋषि थे। आज हम उनकी साधना स्थली पर आकर स्वयं को उनके आशीर्वाद से अभिषिक्त कर रहे हैं। सुर संस्कृति की समर्थ संवाहिका गीत कवित्री डॉक्टर सोनुपा बिसाल ने भाव विहल स्वर में कहा कि साहित्य के सुमेरु हिंदी साहित्य को अपनी स्वर्ण कलम से समृद्ध करने वाले छायावाद के पंचम कवि आचार्य श्री के चरणों में आने का यह सौभाग्य संचित पुण्यों का फल है। साहित्य के विपुल और विरल सर्जक को मैं इस साहित्य तीर्थ में अनुभूत कर रही हूँ। हास्य व्यंग के चर्चित कवि मुकुल महान और लटूरी लट ने कहा कि शास्त्री जी कवि सम्मेलन मंचों के एक विराट व्यक्तित्व थे और वह अपनी कीर्तियों में सदा जीवित रहेंगे। महावाणी स्मरण के संयोजक बेला पत्रिका के संपादक डॉक्टर संजय पंकज ने अतिथि कवियों का स्वागत किया और कहा कि यहाँ एक साथ साहित्य की तीन तीन पीढ़ियाँ हर महीने की 7 तारीख को आकर निश्चित रूप से रचना पाठ करके स्वयं को गौरवान्वित करती है। जानकी वल्लभ शास्त्री ने लगभग साहित्य की समस्त विधाओं में श्रेष्ठ लेखन किया है। भारतीय समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के महान ज्ञाता आचार्य जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से सत्य का निर्देशन किया है। उनका महाकाव्य राधा और उपन्यास कालिदास ऐसी कालजयी कीर्तियां हैं जो भाषा वैभव और भाव विस्तार के लिए सदा पठनीय और अनुकरणीय है। संजय पंकज ने शास्त्री जी के गीत मैं गाऊं तेरा मंत्र समझ जग मेरी बानी कहे कहे सुनकर वातावरण को रसमय कर दिया। अतिथि कवियों के साथ ही अंजनी कुमार पाठक, देवेंद्र कुमार, नरेंद्र मिश्रा, अरुण कुमार, तुलसी सुमन कुमार मिश्र, हरिकिशोर प्रसाद सिंह, रामवृक्ष चकपुरी, श्रवण कुमार, सहज कुमार, दीनबंधु आजाद तथा कुमार विभूति ने गीत गजल कविता का सुमधुर पाठ किया। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए एचएल गुप्ता ने कहा कि आज की गोष्ठी देश के नामचीन कवियों के आने से बहुत ही समृद्ध और सार्थक हुई है। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।